तो ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं एक नई टेक्निक है, नई बात है, इसीलिए हम आप तक लेके आए हैं और इसके बारे में अपना परिचय देते हुए हमें बताएंगे जिन्होंने इसको किया है। मेरा नाम करुण मिश्रा हुआ और मैं पूर्णिया के नगर ब्लॉक भूरी गांव, भूरी पश्चिम गांव से हूं। और ये हम जो है पूर्ण ये प्राथमिक विद्यालय भूरी पश्चिम है, वहाँ पर है। और मैंने दो टैंक लगाया है जो 12-12 हज़ार लीटर का है, और एक पीछे आपके दिख नहीं रहा होगा, एक है 2000 स्क्वायर फीट में और 12 फीट उसका चौड़ाई है और लगभग 160 फीट उसका लंबाई है। वो अर्थन पॉन्ड है, नीचे उसके मिट्टी है, लेकिन हम लोगों ने उसमें ये पन्नी दिया हुआ है, पलोथीन, काला पलोथीन जो आता है जो घरों के ऊपर में लगाते हैं, और उसके ऊपर से 6 इंच हम लोग मिट्टी दिए हैं, काला मिट्टी जो कीचड़ वाला कादो वाला मिट्टी होता है, जो सिंगी मछली के लिए और भी जो ये मिट्टी में रहने वाली मछलियाँ होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बायोफ्लॉक से बिल्कुल भिन्न है, एक तरह से हम लोग सेमी बायोफ्लॉक इसको बोल सकते हैं। और डेंसिटी का जहाँ तक बात रहे तो डेंसिटी इसमें हम लोग बायोफ्लॉक की तरह ही रख सकते हैं, इसमें बीमारी कम आती है और इसमें प्राकृतिक खाना मिलता है मछलियों का, जूप्लैंकटन, और इसमें ब्लड वर्म भी बनता है जो आप लोगों को दिखेगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसमें एफसीओ रिचार्ज किया है। इस टैंक का साइज क्या है, कितना गहरा है, कितना पानी है और इसमें स्टॉकिंग कितनी, और अभी कितने साइज का बच्चा आपने डाला है? ये टैंक जो है 12 फीट, एक टैंक का यदि हम बात करते हैं तो 12 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है, 120 स्क्वायर फीट हुआ ये। और गहरा इसमें 4 फीट है, हम लोग 1/2 इंच मिट्टी रखे हैं और 3 फीट इसमें पानी है और 1/2 फीट ऊपर से खाली है ये। और डेंसिटी इसमें 3500 सिंगी सीड है और दोनों टैंक से 7000 सिंगी सीड है। हमने इसमें 2500 लाइन का गिराया था लगभग 14 दिन। पानी कैसे तैयार किया और वो जो आप बोल रहे हैं इसको एफसीओ डालते हैं, क्या डालते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। सबसे पहले है इसमें 6 इंच मिट्टी डालना है। मिट्टी डालने के बाद हम लोग इसमें 5-5 kg ताज़ा गोबर डालते हैं। ताज़ा गोबर डालने के बाद इसमें बहुत अनवांटेड इंसेक्ट आ जाते हैं, जिसके लिए हम लोग एक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बायोक्लीन एक मेडिसिन है उसका यूज़ करते हैं, जिससे जितने भी अनवांटेड इंसेक्ट होते हैं वो मर जाता है उसके वो यूज़ करने के बाद। उसके बाद गैस रिमूव करने के लिए हम लोग मेडिसिन डालते हैं और तत्पश्चात हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं और फिर एफसीओ रिचार्ज करते हैं, जो एक हेटरोटॉपिक एक्टिव बैक्टीरिया है उसके मदद से, और उसमें जैगरी भी ऐड करते हैं। वो 4 मेडिसिन का एक मिश्रण है और 24 घंटे में वो तैयार होता है, और हम लोग एक टब में रखते हैं और उसमें एयर पॉइंट डालते हैं और 24 घंटे में वो एक्टिव हो जाती है वो बैक्टीरिया, और फिर हम लोग इसे रिचार्ज करते हैं। और पहली बार एक ही दिन में रिचार्ज कर देते हैं सारा जो भी तैयार होता है। उसके बाद जब हम हर 15 दिन पे ये एफसीओ रिचार्ज करते हैं और 1 महीने के बाद हम लोग इसमें अलग मेडिसिन डाल। पता चले छे टैंक छे अगर दीवाल उधर करो तो छाप लियो मछली अपनी देख सक लो। संख्या पता चले या संख्या नहीं पता चले कत्ते घनत्व? हाँ घनत्व पता चले छे। धान लाइट होता था ना, देखे लाइट विभाग की हाल नहीं।
बंद कर दो।